बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग इसी OnePlus Nord N10 के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है बजट प्राइस रेंज में। आज मैं दूंगा आपको इसी फ़ोन के बारे में सारी स्पेसिफिकेशंस, तो वीडियो को देखते रहिए। ये रहा इसका बॉक्स और इसी प्लास्टिक के रैपर में आते हैं इसके केसेस। OnePlus ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस फ़ोन को बजट प्राइस रेंज में लाकर। और ये हमने खोल लिया इसके बॉक्स को। पहले मिलता है हमें ये ब्लैक सेक्शन, इसको भी हम निकाल लेते हैं पहले और देखेंगे इसके अंदर हमें क्या मिलेगा। इसके अंदर है ये सिम इजेक्टर पिन और यूज़र गाइड। ये रहा हमारा मेन फ़ोन। देखिए इसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा अच्छा है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लास्टिक के रैपर से और ये रहा इसका डिज़ाइन। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अभी बात करते हैं इस फ़ोन के बॉडी की। ये फ़ोन 190 ग्राम्स का है। साइड में आपको प्लास्टिक फ्रेम दिया हुआ है, सामने गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन। इसमें आपको डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट मिलता है, 3.5 mm जैक आता है इसमें। इसमें पीछे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अभी हम फ़ोन को बूट कर लेते हैं और देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कितना ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। ये मैंने टच किया और ये खुल गया। मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ सा एक्सपीरियंस आपको देगा, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का मज़ा ही अलग है। अभी आते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर। इसमें आपको 6.49 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा IPS LCD पैनल में, जो कि आएगा 90 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें आपको 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलेगा। इसमें आपको 406 PPI डेंसिटी मिलेगी और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। ये फ़ोन बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पे, जो कि आता है ऑक्सीजन OS 10.5 के साथ। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 690 5G प्रोसेसर, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि 5G है। इसमें आपको एड्रीनो 619 का GPU मिलेगा। ये एक ही वेरिएंट में आता है 6GB और 128GB, जो कि एक्सपेंडेबल है। अभी बात कर लेते हैं कैमराज के बारे में। इसमें आपको 64 MP का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, जो कि आता है f1.8 एपर्चर के साथ। दूसरा है 8 MP f2.3 एपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर। तीसरा है 2 MP f2.4 एपर्चर के साथ डेप्थ सेंसर और एक है 2 MP f2.4 एपर्चर के साथ मैक्रो सेंसर। और सामने पंच होल में आपको मिलेगा 16 MP का सेल्फी कैमरा f2.1 एपर्चर के साथ। इसमें आपको 4K वीडियो शूटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। ये है हमारा चार्जिंग अडेप्टर और USB टाइप सी केबल। ये अडेप्टर 30W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और आप जानते ही हैं OnePlus का ये टाइप सी केबल कितना ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि पूरे दिन आराम से चल जाएगी। और इसके अंदर हमें देखने को क्या मिलेगा, इसके अंदर है हेडफोन्स। ये हेडफोन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसको भी खोल के हम देखेंगे। इसको खोल लेते हैं। ये है कुछ यूज़र मैनुअल हेडफोन्स के बारे में और ये रहा हमारा हेडफोन। अभी बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ऑब्वियसली सारे फीचर्स तो अवेलेबल ही है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि वाईफाई 802.11, ब्लूटूथ 5.1, NFC, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और भी बहुत सारी चीज़ें। और इस फ़ोन का आंतोतु स्कोर आता है 2.7 lakhs के ऊपर, तो ये एक अच्छी बात है। और इस फ़ोन का प्राइस अभी तक नहीं पता चल पाया, तो जब ही पता चल जाएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो में। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।